चलो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन नाम से पता लग रहा है इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव लेना, बड़े इंटरवल को बहुत छोटे चेंज में, बिग चेंज को स्मॉल चेंज में लेके आना। इंटीग्रेशन का मतलब उल्टा, स्मॉल चेंज से बड़े चेंज में जाना। तो डिफरेंशिएशन का रोल एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंटीग्रेशन का रोल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी, उल्टा काम हो जाएगा। क्लियर है? जैसे इंटीग्रेट करना, तो स्मॉल चेंज कितना है इसका डीएक्स, जो इंटरवल है उसका स्मॉल चेंज कितना है डीएक्स। तो उसी तरीके से डीएक्स 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 सारे अगर आप स्मॉल स्मॉल चेंज इकट्ठा कर ले और मिला लें, मिलाने को क्या बोलते हैं इंटीग्रेट करना, तो टोटल चेंज आ जाएगा कितना इसमें डेल्टा एक्स या एक्स जो भी आएगा। तो हमने हम क्या बोलेंगे कि हमने सारे डीएक्स या स्मॉल चेंजेस को मिला के टोटल चेंज को निकाला बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इसकी जो एप्लीकेशन है ये तो नेक्स्ट लेक्चर तक ही समझा पाऊंगा, पहले मुझे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलाज बताने पड़ेंगे तभी आपको लगा के दिखा पाऊंगा, नहीं तो लगा नहीं पाऊंगा। तो मैं फॉर्मूलाज पे आता हूँ इंटीग्रेशन के। सबसे पहले इंटीग्रेशन को बोलना और लिखना कैसे है वो एक स्टाइल है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डिफरेंस डी का मतलब डिफरेंशिएशन किसका, वाई का, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन में डी नहीं डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है लंबा एस। इंटीग्रेशन इसका मतलब इंटीग्रेशन, किसकी इंटीग्रेशन, वाई की। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई की जगह ये सिंबल क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई। और ये डिनोमिनेटर वाला डीएक्स क्या शो करता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें डिनोमिनेटर में नहीं, इसमें न्यूमिनेटर में चलता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स उल्टा हो गया, उसमें उसमें क्या डिवाइड होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो बोलना और लिखने का स्टाइल क्लियर है, ठीक। तो अगर ये बोलना और लिखना क्लियर है तो फिर पहला फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला नोट करो प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ वन, बस वन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स। अगर ये डिफरेंशिएशन होती ना तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या बोलते, जीरो। इंटीग्रेशन में नहीं चलता, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जीरो नहीं होती। इंटीग्रेशन ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी न्यूमेरिकल में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आंसर इज वाई। इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टी इज टी। इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू जेड इज जेड। तो ये फॉर्मूला क्लियर है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डेरिवेटिव तो कुछ कुछ समझ में आया कि वो कैसे कांस्टेंट के जीरो करते थे, ये कैसा रूल है वन का मतलब एक्स है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब बड़े से छोटे में आना, और इंटीग्रेशन का मतलब छोटे से बड़े में आना, बिल्कुल उल्टा काम है, ध्यान से देखना। ये आंसर ऐसे बनाए गए हैं कि अगर आप इस आंसर को ले, इस आंसर को एक बार अगर आप डिफरेंशिएट करें आपका आंसर वापस कितना वन। मतलब फॉर्मूले ऐसे बने हुए हैं कि जो नंबर को आप इंटीग्रेट कर रहे हो और आंसर निकाल रहे हो अगर आप उसे डिफरेंशिएट करो तो वही नंबर आपको वापस मिलेगा। यही कमाल की चीज है, इसलिए बोला जाता है डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। कोई डाउट इसमें? तो चलो हमने करके नहीं देखना, वैसे बता रहा हूं समझाने के लिए, हमें तो डायरेक्टली पता होना चाहिए कि वन डी वाई वाई देगा। बोलो ये रहा। नहीं, यहां पर तो हमेशा वेरिएबल होगा। डेरिवेटिव मतलब डीए विद रिस्पेक्ट टू वाली टर्म डिफरेंशिएशन के अंदर भी करते थे, कांस्टेंट डिनोमिनेटर में कभी नहीं आता था, ऊपर तो आता था नीचे कभी नहीं आता। विद रिस्पेक्ट टू वाली टर्म तो कुछ वेरिएबल ही होगी, तो वो तो आपको ऐसी मिलेगी, इसमें कांस्टेंट नहीं आ सकता।
क्लियर यहां तक? तो पहला फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, कैसे लगेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक, फिर दूसरा फॉर्मूला, सेकेंड रूल लिखो फिर इसका। सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉन्स्टेंट, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी बाहर आ जाता है। तो ये नहीं बोलना कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो तो इंटीग्रेशन भी कॉन्स्टेंट की जीरो, ना, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया अपनी जगह क्या छोड़ गया वन, पर वन डीएक्स की इंटीग्रेशन आप लोगों को आती है कितनी एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टू डीएक्स, टू इज अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया अपनी जगह क्या छोड़ गया एक्स, तो वन डीएक्स, इसका आंसर क्या होगा आंसर, क्लियर। इंटीग्रेशन ऑफ थ्री डी टी, थ्री बाहर आ गया वन डी टी, तो वन डी टी क्या होता है टी, थ्री टी इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो और जो टर्म बची वो तो पुराना फॉर्मूला ही बन गया जो किया आपने। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, सिंबल है इंटीग्रेशन का एस की तरह लगता है। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं फिर, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको पावर रूल बोलते हैं। देखो डिफरेंशिएशन में जिसको पावर रूल नहीं आया उसको कुछ नहीं आया, इंटीग्रेशन में भी पावर रूल नहीं आया तो कुछ नहीं आया। तो बहुत ध्यान से पहले देखना है, फिर फॉर्मूला बनेगा, फिर लिखना है, ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहले जो थर्ड फॉर्मूला पावर रूल का, मैं एग्जाम्पल के साथ लूंगा, फॉर्मूला बाद में बनाएंगे। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर फोर डीएक्स, हमने डिफरेंशिएशन भी ऐसे की थी, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर फोर डीएक्स, एक्स की पावर क्या है फोर, ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक्स की जो भी पावर है डिफरेंशिएशन में एक पावर कम करते हैं, इंटीग्रेशन में एक पावर एड करते हैं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी फोर प्लस वन फाइव, डिवाइडेड बाय पावर से ही उठा के डिवाइड कर दो, यानी कि ऊपर 5 नीचे भी 5। तो रूल क्या है, x की जो भी पावर है एक बढ़ा दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो। अभी खत्म नहीं हुआ, ये सबसे अजीब लगेगा आप लोगों को, डिवाइडेड बाय 4 पे हाथ रख लो तो क्या दिख रहा है x, डिफरेंशिएशन वैसे करते थे, जो भी x आएगा उसको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दो। ये सबसे अजीब पार्ट है, इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन चल रही है, जो है वैसा ही है। तो रूल है कि जो भी x की पावर है एक बढ़ा दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो, और फोर पे हाथ रखो, जो बचा x उसको नीचे डिफरेंशिएट कर दो, वो अलग बात है कि आंसर वन आ रहे। फिर देखो तो इसका आंसर आएगा x की पावर 5 बाय 5। फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 dx, x की पावर 1 बढ़ गई कितनी 8, डिवाइडेड बाय कितनी 8, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 8 पे 7 पे हाथ रखा तो क्या दिख रहा है x, तो d बाय dx ऑफ क्या आएगा x, जो कि क्या होता है 1, ये लो। फिर देखो सपोज 2x ठीक, तो
x प्लस वन होल रेस टू पावर 3/2 प्लस वन, जो कि कितना होता है 5/2, एक पावर बढ़ा दी पूरे के पूरे ब्रैकेट की और पावर से ही क्या कर दिया डिवाइड। फिर पावर पे हाथ रखा तो क्या दिख रहा है 2x प्लस वन, इसको क्या करना पड़ेगा d बाई डी एक्स करके डिवाइड। तो 2x प्लस वन होल रेस टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू, रेसिप्रोक को ले लो 2/5 और इन टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ 1 बाई डी एक्स, जो कि क्या हो जाएगा 0, कॉन्स्टेंट की 0 और ये 1 हो जाएगा, तो 5 2 से 2 कैंसिल आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, बिल्कुल कुछ नहीं करना इसमें, जो भी ये पावर चल रही है उसमें 1 ऐड किया, उसी पावर से डिवाइड किया और डी बाई डी एक्स बची हुई टर्म आ गई। क्लियर है? तो इसके बेस पे बुक्स में दो फॉर्मूलाज गिवन है, पर मेरे को फॉर्मूलाज नहीं याद करवाने, आप बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बोलो, एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय डीएक्स बाय, ठीक हो गया? तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा फॉर्मूला लिखा होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन डीएक्स, वेयर ए एंड बी बोथ आर सब नंबर्स कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसका आंसर बोलो ए एक्स प्लस बी होल रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एन डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस, को डाउट इसमें कौन करेगा फॉर्मूला याद, बस हो गया डन हो गया। अब आपने जो लिखना है लिख लो, फिर मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं, को डाउट है तो पूछ सकते हो। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, मेन प्रॉब्लम क्या है। अब हमारा ब्रेन सिंक्रोनाइज हो चुका है 1 हफ्ते 10 दिन में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, वो पावर नीचे एक पावर कम, फटाफट हाथ चलना भी स्टार्ट ही हुआ था, अब वो रोल बैक उल्टा हो गया, अब कह रहे हैं कि अब रूल चेंज हो गया। अब यहां पर दिक्कत है, ब्रेन को स्विच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिक्स ना हो जाए, तो बस यही प्रॉब्लम है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल तो आसान है। लिख फटाफट, ठीक है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप प्लीज अपने हाथ से लगा के देखो। ठीक, देखो
देखो एग्जांपल स्टार्ट करो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 7 बाय रूट एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 7 बाय अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ये लो, ये क्वेश्चन है। वो जिसने फर्स्ट चेक करवाना है वो प्लीज चेक करवा ले, x रेज टू पावर पहले से ऊपर लेके जाओ माइनस हाफ dx, सबने ऐसा किया, फिर पावर रूल लगाया, पावर रूल में क्या लगाया, x रेज टू पावर कितना माइनस हाफ प्लस वन, जो कि कितना होता है प्लस हाफ, तो हाफ से डिवाइड कर दें और dx बाई dx तो वन होता है, मैं लिख नहीं रहा, तो आंसर आएगा रेसिप्रोकल लेंगे 2x रेज टू पावर 1 बाई 2, कोई डाउट इसमें, सबका आंसर ही आया ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको ठीक राइट, देख लो सही है ये आंसर, वेरीफाई करना चाहते हो तो ये चाहता है कि मैं चेक करके दिखाऊं कि इसका आंसर ये आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x रेज टू पावर 1 बाय 2, 2 बाहर आया, d by dx of x raised to power 1 by 2, 2 into half x raised to power minus half, 2 से 2 cancel, 1 by root x आ गया, ठीक है, वो तो बनाने वाले ने ठीक ही कर दिया होगा अब तक, तो रूल ठीक बनाया है, बार बार क्या टेस्ट करना, बस डन है, सही है, टेस्टेड है, ठीक, क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, चल नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलो x रेज टू पावर क्या लेके गए, माइनस 1 बाय 3 dx लेके गए, इसमें सही ऐसे किया, x की पावर माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 जो कि कितनी होती है माइनस, नहीं माइनस नहीं 2 बाय 3 प्लस 2 बाय 3, तो प्लस 2 बाय 3 और पावर पे हाथ रखेंगे तो dx बाय dx 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया 3 बाय 2 x रेज टू 2 बाय 3, कितने हो गए, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया सबको ठीक। नेक्स्ट 7 कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्या बच गया 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स डीएक्स, 7 कांस्टेंट एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ डीएक्स, ऊपर चला गया रूट, तो 7 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 जो कि क्या होता है हाफ बाय हाफ, तो रेसिप्रोकल लेंगे 2 बाय 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 बाय हाफ, यानी कि 14 इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ,
कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है, हाँ जी ठीक है यहां तक। फिर इसके अंदर भी सेवन कांस्टेंट आ गया, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx, राइट, 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 होल रेज टू पावर माइनस हाफ dx, कोई डाउट इसमें? 7 इंटू 3x प्लस 2 होल रेज टू पावर प्लस हाफ, क्योंकि माइनस हाफ प्लस 1 हाफ देगा बाय हाफ, तो 14 इंटू 3x, इसमें से डिवाइड भी होगा, सॉरी, तो इसको हाफ से डिवाइड करके d बाय dx ऑफ, ये भी करना पड़ेगा क्योंकि जब पावर पे हाथ रखेंगे तो क्या दिख रहा है, 3x प्लस 2, तो यहां पर क्या आएगा, 14 इंटू 3x प्लस 2 होल रेज टू पावर कितना, हाफ, तो डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ फर्स्ट टर्म क्या देगी, 3 dx बाय dx 1 और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। स्टेप क्लियर है, मतलब यहां तक तो ठीक है, एक पावर बढ़ा दिया, पावर से डिवाइड कर दिया, ये भी ठीक है, और डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ, इसमें 1 तो होगा, तो यहां पर क्या होगा, d बाय dx ऑफ 3x प्लस 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो d बाय dx ऑफ 3x 3 देगा और d बाय dx ऑफ 2 इज 0। स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, कितने लोगों ने लास्ट क्वेश्चन कर लिया, कितने लोगों ने लास्ट क्वेश्चन को ऐसे किया, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस स्क्वायर प्लस 2 रेज टू पावर माइनस हाफ dx ऐसे स्टार्ट किया, फिर आपने क्या किया, 3x स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू पावर 1 ऐड करके पावर से डिवाइड करके d बाय dx ऑफ क्या किया, 3x स्क्वायर प्लस 2 किया और आगे सॉल्व किया, बाकी सब करेक्ट कर लो, इसको क्रॉस कर लो, इंटीग्रेशन जितनी टेढ़ी चीज आपने देखी नहीं होगी, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, कहीं भी लगाया पावर रूल और चल पड़ा, पावर रूल हर जगह नहीं चलता इंटीग्रेशन का। तो रूल नंबर 1, पावर रूल ठीक ठाक चल रहा था, समझ में भी आ रहा था, यहां फेल हो गया। जिन जिन भी क्वेश्चंस में अंडर रूट क्यूब रूट के अंदर एक्स की डिग्री 2 है, यहां पर एक्स की डिग्री का मतलब पावर क्या है, 1 है, वहां तो पावर रूल चलते हैं, जब डिग्री 1 से बढ़ जाती है पावर रूल फेल हो जाते हैं, फेल इंटीग्रेशन नहीं चलेगी। ठीक, अब ये तो और बड़ी मुसीबत हो गई, अब कहां चलेगी कहां नहीं चलेगी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर से वही है, सेम ही तो है, किस क्वेश्चन में बताओ, तो मैंने 7 बाहर निकाल दिया ना कांस्टेंट, तो बचा तो यही ना, जल्दी नहीं है, मैं आंसर दूंगा उसका, क्यों टेंशन ले रहे हो, पहले एक मिनट इसकी डाउट ले लें, इस मिनट बोलो, सेकंड लगाया मैंने, कांस्टेंट बाहर आ सकते हैं, मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया ना, तो मैं क्या करूं फिर, आप बताओ, जैसे अगर मैं ये बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx है, तो 2 कांस्टेंट x अंदर रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 2 dx है, हाफ कांस्टेंट है x रह गया, यही रूल होता है ना, तो 7 बार आ गया, बाकी जो बचा अंदर रह गया, ठीक ओके। मैं अब उस रूल पे आता हूं, देखो बात नहीं करनी, बात नहीं करनी,
उस क्वेश्चन का आंसर दे दूं, ये इंटीग्रेशन का रूल है। क्या रूल है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2dx, पावर रूल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3x प्लस 3 क्यूब रूट, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x, पावर रूल चलेगा। लेकिन जैसी इसकी डिग्री 1 से ज्यादा हो गई, पावर रूल नहीं चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा, सर फिर नहीं चलेगा तो फिर हम क्या करेंगे? आपसे ये क्वेश्चन कोई फिजिक्स में पूछेगा ही नहीं जिसकी पावर 2 होगी, ठीक। नहीं, प्लस 2 में भी तो कुछ करोगे कैलकुलस की, वो भी यही चीज रिपीट करके छोड़ देंगे। 2 महीने वो आपको इसका इलाज बताएंगे, 1 महीना इंटीग्रेशन सिखाएंगे, जो हम 1 दिन में कर रहे हैं। हम 1 लेक्चर लगा रहे हैं, वो 1 महीना सिर्फ इन्हीं चीजों का तोड़ बताएंगे कि अगर यहां पर पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हो जाए, उसको कैसे तोड़ा जाएगा। वो काम मैथ्स की कैटेगरी में चला जाएगा, हम नहीं करेंगे, हमें पूछा भी नहीं जाएगा। तो पावर रूल कहां चलेगा? जब अंडर रूट या जो भी चीज है, आपको ये ना कहे कि सर मेरे पास क्वेश्चन ये पूछा गया तो आपने कहा था पावर 1 होनी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, एक्स खुला हुआ है, इसकी पावर जो मर्जी हो, पावर रूल चलेगा। पर अगर आपने इसको बांध दिया किसी भी अंडर रूट में, क्यूब रूट में, और उसकी पावर आपने उठा के कुछ क्यूब कर दी, फिर ये पावर रूल नहीं चलेगा। तो अंडर रूट है, 3/2 जो ऑड पावर्स हैं उसके अंदर अगर इसकी पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है या 3 हो जाती है, वहां ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। तो पहला रूल क्लियर है यहां तक? बोलो। अगर ये न्यूमिनेटर तो भी नहीं चलेगा। अगर ये ऐसा होगा अंडर रूट ऑफ 2x² + 1 dx, बस आपको एक ही पावर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, x की पावर 1, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे करूंगा ये क्वेश्चन, फिजिक्स वाले जो लोग हैं वो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे ही नहीं जिसके अंदर आप यहां फंस जाएं। बात ही क्लोज हो गई। तो आपको ये पता भी नहीं लगेगा, मेरी ड्यूटी बनती है बताना, कल को कोई पूछ ही ले मैथ्स का टीचर क्या सिखाया, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि वहां पर ये मत बोल देना कि सर पावर रूल लगा दो, वो कहेंगे रहने दो, तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आती। बोलो। 2x² का होल रूट है, लगेगा लगेगा लगेगा। अगर ये कह रहे हैं अंडर रूट ऑफ 2x² होता, लगेगा। क्यों? ब्रेक कर लो ना, अंडर रूट ऑफ 2 और x की पावर, ये रही, इसमें तो लगेगा, x अकेला रह गया ना। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ओके, तो एक जगह पावर रूल फेल है, बट उसकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन हमें पूछे नहीं जाएंगे, बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है यहां तक? लीनियर फंक्शन पूछे जाते हैं, लीनियर का मतलब जो x की एक डिग्री रखते हैं बस, क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल इस टाइप के नहीं पूछे जाते। बोलो। हाँ, अगर ओके, ये कह रहे हैं अगर अंडर रूट ना हो तब नहीं चलेगा, फिर उसका क्या कसूर है? हाफ फले का भी, अंडर रूट का मतलब हाफ है, नहीं चलेगा, नहीं आएगा, नहीं चलेगा, x की पावर 2 में नहीं चलेगा, लेकिन 1/2x² पे चलेगा, जब वो प्लस माइनस करेगा ना बीच में, ऐसा फंक्शन, ये कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ 2x² + 1 है जी, इसको चलाओ। बोल कैसे करें, क्या आंसर लिखूं? ठीक है, करके दिखा देता हूं। ये कह रहा है कि इस पे लगा के दिखाओ क्या इस पे चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है चलेगा, आपके हिसाब से चलाते हैं। 2x² + 1 होल रेज टू पावर -1, 2x² + 1 होल रेज टू पावर 0/0, कैसे चलेगा? फेल है, नहीं चलेगा। अगर न्यूमिनेटर में हो, ओके, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं चलेगा। आगे यार, वैसे भी एक बात सोचो, जब 1 के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हो तो हाफ ने क्या कसूर किया यार? हाफ के साथ भी चला देते, पावर तो कुछ भी हो सकती है ना, तो नहीं चलेगा। वो 1 के साथ भी नहीं चलेगा, वो हाफ के साथ भी नहीं चलेगा, वो किसी के साथ नहीं चलेगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बस ये लिखना है। अच्छा, ये 2x² + 1 dx, यही कह रहे हो, चलेगा। इसको कैसे करना है ये मैं भी बताने वाला हूं, बट ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि पावर रूल हर जगह नहीं चलेगा। तो जिसकी अंडर रूट के अंदर पावर्स x से बढ़ जाती हैं, 2x की पावर 2 x की पावर 3, वहां पर नहीं चलेगा। और सबसे मजे की बात, आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपको तो इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं ना, पूछने वाला आपको पूछ ही नहीं रहा, वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं,
हो सकता है वो डेंजरस भी हो सकती है, एक्स्ट्रा बताना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है। लो यार अच्छे भले चल रहे थे, ना ना दिखाता तो ना दिखाता, दिखा दिया तो कंफ्यूजन हो गई, कंफ्यूजन नहीं हुई, आप एक गलत चीज करने से बच गए। क्लियर? तो आपकी चीज जो इसको आसान जरूर कर देता हूं कि ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। यहां पे ये मैथ्स के टीचर बताएंगे इसका, ये इसका आंसर पूछ रहा है, असली फंडा क्या है ये बताओ कि कहाँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैथ्स वाले। इसके लिए आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा कैलकुलस से पहले नॉन मेडिकल वालों को, जिसका चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, वहां से इसका प्रूफ निकल के आता है। तो जब भी कैलकुलस स्टार्ट होता है मैथ्स में, प्लस टू के टीचर प्लस टू में करवाएंगे लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, फिर उसमें ये बताया जाता है ऐसा क्यों होता है। मेडिकल में नॉट रिक्वायर्ड, आराम से रिलैक्स करें, कुछ नहीं चाहिए आपको, तो ये भी नहीं चाहिए आपको, तो इतना भी आपको तो छोटा छोटा चाहिए बस, एक्स एक्स स्क्वायर, नॉन मेडिकल में इतना चाहिए फिर भी, राइट? तो मेडिकल को कैलकुलस बहुत कम आता है, मतलब कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम नीट वालों को कम आती है, नॉन मेडिकल वालों को फिर भी थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा आता है उनसे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मतलब इस क्वेश्चन को मैं डिलीट ही कर देता हूं, ये है ही नहीं इस दुनिया में आपके लिए, बात ही क्लोज हो जाती है। अब ठीक लग रहा है? ठीक है ठीक है, अब ठीक है, नहीं देखा तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो देखना भी नहीं है, आपको पूछेगा भी नहीं कोई। पॉइंट नंबर वन क्लियर है? ठीक, अब अगला रूल देखते हैं। देखो देखो राघव राघव, देखो अगला रूल करते हैं। जो नेक्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब अगर यहां प्लस है और दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो जैसे डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाती थी, इंटीग्रेशन भी हो जाती है। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। लेकिन ये मत करना कि विद रिस्पेक्ट टू नहीं लगाया, विद रिस्पेक्ट टू तो हर हालत में लगेगा। कोई डाउट इसमें? तो डीएक्स डीएक्स तो साथ ही चलेगा और इंटीग्रेशन का सिंबल भी साथ चलेगा। मैं करके दिखाता हूं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, तो ब्रेक करें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चलती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैंने करनी है किसकी, एक्स स्क्वायर की, भाई पीछे क्या लगा ये तो बताओ, विद रिस्पेक्ट टू के साथ लगाना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब दो प्रॉब्लम हो गई इंटीग्रेशन की, तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाई थ्री और इसकी पावर क्या है, वन एक्स स्क्वायर बाय टू। कोई डाउट इसमें? पावर रूल लग गया ना, एक पावर बढ़ गई 3/3। कोई डाउट इसमें? इंटीग्रेशन को ब्रेक करना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म विद रिस्पेक्ट टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? तो ये लिख सकते हो, बड़ी स्पीड है यार। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स है डिफरेंशिएशन से, वैसे बता दूं मैं, सख्त रूल स्ट्रिक्ट रूल्स हैं बड़े, डिफरेंशिएशन कोई चक्कर फिर है, बढ़ाया 26 किया है, 26, 27 कर दिया, उससे तो फिर बंद ही कर देता हूं अभी के लिए। हाँ जी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? और अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये माइनस होता तो ये भी माइनस, ये माइनस होता तो ये भी माइनस हो जाता, प्लस माइनस में कोई चक्कर नहीं। तो एक क्वेश्चन करो, ये लो एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। फिर सेकेंड क्वेश्चन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री डीएक्स। ये लो लगा के देखो रूल,
तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ब्रेक किया होगा x क्यूब dx प्लस 1 बाय x स्क्वायर dx प्लस 1 dx, राइट। फिर आपने किया होगा x क्यूब dx प्लस x रेज टू पावर माइनस 2 dx प्लस 1 dx, राइट। इसमें एक पावर बढ़ा दी, पावर से डिवाइड किया, प्लस एक पावर बढ़ गई, पावर से डिवाइड किया, प्लस 1 dx का फॉर्मूला x। डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? सही। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाय अंडर रूट ऑफ x dx माइनस 3 dx की इंटीग्रेशन। कोई डाउट इसमें? ऐसे ओपन किया इसे। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 1 बाय 2 dx माइनस 4 इज अ कांस्टेंट, x रेज टू पावर माइनस हाफ dx, x ऊपर गया तो रेज टू पावर क्या हो गया? माइनस हाफ। माइनस 3 इज अ कांस्टेंट, तो अंदर क्या बचेगा? 1 dx। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, इसकी पावर का रूल लगाएं तो x रेज टू पावर हाफ प्लस 1 क्या होता है? डिवाइडेड बाय 3 बाय 2। माइनस 4 इंटू x की पावर माइनस हाफ में 1 ऐड करो तो क्या आएगा? 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 माइनस 3 इंटू कितना? x। तो क्या आएगा? 2 बाय 3 x रेज टू पावर 3 बाय 2 और यहां से 4 इंटू 2 8 x रेज टू पावर 1 बाय 2 माइनस 3x। कोई डाउट इसमें? कहां पे? ओ सॉरी, प्लस चल रहा है, सॉरी। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे करना है इसे रूल को? कोई डाउट इसमें? इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। डिफरेंस ज्यादा बेटर थी, माइनस हाफ प्लस 1 क्या होता है? 1 बड़ा नहीं होता, माइनस हाफ प्लस 1 हाफ होता है। कोई डाउट इसमें? ठीक, चले नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूले पे। फॉर्मूला से पहले मैं चाहता हूँ एक और प्रॉब्लम दूं मैं आपको। फॉर्मूला, फॉर्मूले की जरूरत आपको अपने आप फील होगी, दिखाता हूँ कैसे। ठीक, याद है? क्लियर है? अब देखो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देने जा रहा हूँ और देखना आप, देखते हैं आप उसको कैसे करते हो। लो, क्वेश्चन आपको करने हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx। तो इस ऑर्डर में करना शुरू करो प्लीज। है ना? तो मतलब इस केस में तो सही है, x की पावर माइनस 3 dx आपने कर लिया होगा, x की पावर माइनस 2 बाय माइनस 2, x की पावर माइनस 2 dx की इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1 बाय माइनस 1, एक पावर बढ़ा के डिवाइड किया, और इसमें x की पावर माइनस हाफ dx की इंटीग्रेशन x की पावर 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, ऐसे किया। और जब इस पावर रूल चला
तो एक्स की पावर जीरो बाय, क्योंकि इसकी पावर क्या थी, माइनस वन, तो जब आपने इससे डिवाइड किया तो आपके पास ये बन गया। अब यहां गड़बड़ हो गई और जीरो इज नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पावर रूल वैलिड है उनमें, लेकिन जब वन बाय एक्स की बारी आई पावर रूल फेल हो गया। हर फॉर्म, हर जगह पे पावर रूल चलता है ऐसे क्वेश्चन में, एक जगह नहीं चलता बस, जहां वन के नीचे एक्स की डिग्री वन है। वो इसलिए क्योंकि जब एक्स रेज टू पावर माइनस वन की इंटीग्रेशन की जाती है तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है। इसका इलाज है हमारे पास, इसका इलाज ये है, फॉर्मूला लिखो नेक्स्ट। ठीक, फॉर्मूला इज, फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स। आपको कोई लॉग कहां से आ गया यार? किसी को क्या सपना आ गया बीच में, लॉग आ गया? आया सपना, आपको भी आएगा। ये देखो, लॉग ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन करके देखें, डी बाई डी एक्स, आंसर क्या आएगा, वन बाय एक्स। ठीक बनाया, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन करके देखो, आंसर वन बाय एक्स। इसका मतलब बात सही कर रहा है। तो पावर रूल इसमें नहीं चलेगा, किसमें, सिर्फ इसमें, बाकियों में चलेगा, बस एक जगह नहीं चलेगा, जब x की पावर डिनोमिनेटर में वन हो जाएगी इसमें, तो फिर किसकी याद आएगी, लॉग की। तो जब आप जीरो में फंस जाए डिनोमिनेटर में, जैसे इसमें फंस गए, तो याद रखना लॉग आएगा, क्योंकि फ्लो में करते करते पता नहीं लगता, क्वेश्चन लिखा थोड़ा होता है लॉग लगाना है इसमें, हर में पावर रूल लगाने की कोशिश करोगे आप तो, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन बीच में जरूर फंस जाएगा जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो याद रखना आपको कौन बचाएगा, लॉग। करके दिखाऊंगा अभी, याद क्लियर है, अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ। प्लीज, x वन के नीचे कौन है, x, log क्या के क्या, x divided by x को क्या करना पड़ेगा साथ में, डिफरेंशिएट, वो अलग बात है कि इसका आंसर वन होता है। मैं एग्जांपल के साथ करके दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल 2x प्लस वन dx, 2x प्लस वन dx, ठीक, इसकी इंटीग्रेशन है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन के अंदर देखो, इसकी इंटीग्रेशन में जब ये अलग से क्वेश्चन आएगा ना 2x प्लस वन डीएक्स, देखो मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं पावर रूल ही लगाता सबसे पहले, पावर रूल में मैं कोशिश करता कि चलो जैसे बाकी सारे क्वेश्चन किए तो इसमें भी क्या कर देंगे, माइनस वन डीएक्स, लेकिन जैसे ही पावर रूल में वन ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो, मैं फिर फंस गया, तो यानी कि मुझे कौन बचाएगा, लॉग। तो इसका आंसर पावर रूल से नहीं होगा तो लॉग हो जाएगा, इसका आंसर डी बाई डी एक्स टू एक्स प्लस वन, कोई डाउट इसमें? तो आपने क्या करना है इसमें, वन बाई टू एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन लॉग और डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स प्लस वन। ये नहीं, एक्स नहीं, नहीं हम ऊपर नहीं लेके गए, हम तो लॉग का फॉर्मूला यूज कर गए, तो फाइनल आंसर इज लॉग ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी 2 और कांस्टेंट की क्या होगी 0, आंसर। कोई डाउट इसमें, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है यहां तक? तो क्वेश्चन करते करते लिखा नहीं होता कि लॉग से होगा, तो सबसे पहले आपका माइंड क्या करेगा, पावर रूल ही लगाएगा, लेकिन जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा फिर उस केस में लॉग याद आएगा। दिखाते हैं कैसे, ये क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस एक्स का क्यूब डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस स्क्वायर का स्क्वायर डीएक्स और एक्स। जिसमें लगता है उसमें लगा दो, जिसमें नहीं लगता अपने आप अंदर से आवाज आएगी कि नहीं लग रहा, तो अब देखेंगे फिर क्या करना है।
तो देखो इसको आपने कैसे किया, 3 प्लस एक्स होल रेज टू पावर माइनस टू डी एक्स, तो आंसर क्या आया, 3 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाय माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, पावर पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस एक्स। तो वो अलग बात है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस वन, इसकी डिफ्रेंसिएशन जीरो और डी एक्स बाई डी एक्स इज वन। सबने ऐसे किया, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस थ्री डी एक्स, 3 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस टू बाय माइनस टू, पावर रूल लग गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक बार फिर से कितना, 3 प्लस एक्स, कर लोगे सॉल्व। नेक्स्ट पावर रूल का ये वाला 3 प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू माइनस टू, ठीक किया, एक पावर एड प्लस वन, ठीक है, कोई डाउट इसमें? पावर रूल लगा दिया, कितने लोगों ने लगाया पावर रूल, पावर क्या चल रही है, वो कहीं भी नहीं चलेगा, आपने पूछा ना कि वो किस तरीके से चलेगा, वो कहीं नहीं चलेगा, अंडर रूट मतलब, फिर वही बात, जब उसने पूछा तो था कि यहां पर वन कर दो, तो मैंने करके दिखाया, नहीं चला भी, जब वन का नहीं चल रहा, हाफ का नहीं चल रहा, फिर टू का क्यों चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा, फिर पावर कुछ भी हो, इसकी ब्रैकेट की पावर कुछ भी हो, वन हो, हाफ हो, टू हो, थ्री हो, अगर आपको ये डिनोमिनेटर में या कहीं पर भी एक्स स्क्वायर दिख गया ना, फिर नहीं चलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो मतलब यहां पे भी नहीं चलेगा, ठीक है, मैंने अपना एग्जांपल अंडर रूट से लिया था, स्क्वायर ले लो, क्यूब ले लो, क्यूब रूट ले लो, कुछ भी ले लो, नहीं चलेगा। तो एक्स स्क्वायर का तो क्वेश्चन मुझे देना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती हो गई ना, तो मुझे लगता है वैसे चेक कर रहा था मैं कि आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ये मुझे देना नहीं चाहिए था, आएगा नहीं। बट आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर देखते ही आपको थोड़ा अलर्ट फील हुआ कि कुछ गड़बड़ सी लग रही है, क्योंकि नॉर्मल आपको आदत है एक्स में काम, तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। इसका क्या किया आपने, क्योंकि आप लगाया होगा, पावर से आंसर आया नहीं होगा, डिनोमिनेटर में जीरो आया होगा, फिर याद आई होगी लॉग की, तो आंसर इज लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ 3 प्लस एक्स, तो आंसर इज लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो एंड इसकी वन। पॉइंट समझ में आया कि लॉग कैसे पकड़ा जाएगा, कोई डाउट इसमें? न्यूमिनेटर में स्क्वायर आएगा, उसको ओपन ही कर देंगे, बात ही खत्म हो गई, फिर चलेगा, जो ओपन हो सकते हैं उनको तो ओपन करो, जो नहीं हो सकते फिर वो मैथ्स के खाते में डाल देंगे, नहीं होगा, अपने को पूछेगा ही नहीं कोई। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप उसकी चिंता ना करो कि मैं फंस जाऊंगा, कि अगर ऐसा कोई नहीं फंसेगा, कुछ आएगा ही नहीं ऐसा, बहुत बेसिक आएगा, बहुत ही बेसिक, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जो चलते हैं वो एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन में चलते हैं, एक्स डी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, रूट एक्स डी एक्स हो गया, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो इतने भी हार्ड नहीं है, पर हमें करनी चाहिए। बोलो, इसमें लॉग का रूल तब लगता है जब पावर रूल नहीं लगता, पावर रूल लग रहा है पहले हाई प्रायोरिटी पावर रूल की है, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो लॉग, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो जब फंसता है तो लॉग लगता है, नहीं तो नहीं लगता। मतलब ये नहीं कह सकते कि इसका आंसर लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स का क्यूब कर दो, नहीं नहीं नहीं, पावर रूल से काम चल गया ना तो पावर रूल से चलाओ, नहीं कर सकते स्क्वायर में, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं पावर वन चाहिए ना, एक्स स्क्वायर की डिग्री तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ना, कहीं भी नहीं चलता वो तो। ओके, इन एनी केस क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो बेसिक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो खैर बहुत कम रेयर चांस है आने का जो मैं करवा रहा हूं, बट इन एनी केस हो सकता है एक आध बार एक साल में यूज हो जाए, तो बस वहां मुझे याद करना पड़ता है, मैं याद करवाऊंगा, आपको याद आ जाएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट, अब इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, छोटे मोटे क्वेश्चन में तो पावर रूल लाना आ गया, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के अंदर जब डिनोमिनेटर में एक्स की पावर टू होगी नहीं चलेगा, फिर लॉग की प्रॉब्लम उसकी, कि लॉग वाले केसेस आपको पकड़ने पड़ेंगे, तो वो भी आपने देख लिए। अब नेक्स्ट जो रूल है, क्योंकि अभी हमने क्या सीखा, यू प्लस वी को आप ब्रेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ये सीखा,
मैथ्स में यू इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला है, हम नहीं करेंगे, हमें फिजिक्स में नहीं चाहिए। ठीक, तो ये नहीं कह रहा कि फॉर्मूला नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे, मतलब ये नहीं कह रहा कि कल को अगर कोई क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन में आता है हम कर नहीं सकते, मैथ्स वाले कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, हम प्लस और माइनस तक तो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का हम नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम अवॉइड करेंगे, नहीं चाहिए हमें। दूसरा, यू बाई वी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि यू बाई वी को मैथ्स वाले ऐसे लिख लेते हैं, यू इंटू वन बाय मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है, डिवीजन का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में, और हम दोनों ही नहीं करने वाले, कुछ नहीं करने वाले ऐसा। तो चलो अच्छा ही हो गया, डिफ्रेंसिएशन में यू इंटू वी गया तो एक लेक्चर लग गया था यू अपॉन वी और उसमें करने में, इसमें एटलीस्ट वो लेक्चर बच गया पूरे का पूरा ही, क्योंकि अब आप कहोगे सर अगर क्वेश्चन आ गया तो, क्वेश्चन नहीं आएगा फिजिक्स में, क्वेश्चन इतनी डीप इंटीग्रेशन में आते नहीं है, सिंपल आते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? मतलब मैं, मेरा बताना बनता है कि कल को आपसे कोई पूछ ले कि ये होता है कि नहीं होता, होता है, हम नहीं कर रहे। ठीक, ये भी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं फिर, ट्रिग्नोमेट्री की इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रीज में साइन फॉर्मूला लिखो प्लीज, फॉर्मूला साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती थी, कॉस एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, माइनस में होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो आंसर आया कितना आया, माइनस कॉस एक्स। एक काम करते हैं, इसको ना दो मिनट आपकी तसल्ली के लिए जरा इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखवाता हूं सेटिस्फेक्शन के लिए, माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ क्या आएगा, कॉस एक्स। बोलो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होती थी, माइनस, आंसर क्या आएगा, सही बोल रहे हैं, फॉर्मूला सही है। ठीक, तो जस्ट वैसे वेरीफाई करके दिखाया, पर जरूरत नहीं है आपको, आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, माइनस कॉस एक्स। पर एक चीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये एक्स है, ये एक्स है, डिवाइडेड बाय डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स तो रखना ही रखना है ना, एंगल की डिफ्रेंसिएशन जो कि वन होता है। मैं एग्जाम्पल के साथ लगा के दिखाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टू एक्स डी एक्स, अगर यहां पर टू एक्स हो, माइनस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स, जो एंगल है यहां, ये जो एंगल है वो यहां पे तो आएगा ही आएगा, और फिर वो यहां पर भी आएगा, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर माइनस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय टू, आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जो भी एंगल है उसको डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। लिख लो एग्जाम्पल, ठीक है? ठीक, 2 एंगल से कट ही नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद करो प्लीज, साइन ऑफ 2x प्लस 1 dx, बोलो करो सॉल्व। एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बस ये देख लेना इसका एंगल कितना है, 2x प्लस 1, ठीक है ना? तो माइनस ऑफ बोलो क्या आएगा, कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ क्या आएगा, 2x प्लस 1, माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 और कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएशन इज 0। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के और भी फॉर्मूलाज हैं, तो लिखो फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। इस एग्जांपल को करो प्लीज,
तो आंसर आएगा साइन ऑफ कितना 3x डिवाइडेड बाय डी बाय डीएक्स ऑफ 3x, तो ऑब्वियसली साइन ऑफ कितना 3x डिवाइडेड बाय कितना 3। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट फॉर्मूलाज में लिख रहा हूं पर यूज नहीं होते फिजिक्स में ज्यादा, जिस दिन यूज होंगे गारंटेड आपको फॉर्मूला याद नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर मान लो प्लस टू में जाके भी एक बार यूज हुआ तो किसको याद है कि हमने टैन की इंटीग्रेशन भी कभी की थी। साइन कॉस सबसे ज्यादा यूज होती है, तो हमारा काम साइन कॉस से चलता है, राइट? पर फिर भी फॉर्मेलिटी से एक मैं तीन चार फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर कल कोई जरूरत पड़े तो देखोगे कहां लिस्ट तो है आपके पास, तो एटलीस्ट आप देख सकते हो, राइट? तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, पर हम इसके ऊपर काम नहीं करने वाले। इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला है। आप बोलोगे लॉग बीच में कैसे आ गया, मैं करके दिखाता हूं वेरीफाई। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सीकेंट एक्स है, मान लो डिफ्रेंसिएशन करें, लॉग के आगे जो भी टर्म है वो वन के नीचे आ जाती है, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा सीकेंट एक्स, यहां पर आ जाएगा वन बाय सीकेंट एक्स इनटू सीकेंट एक्स का फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन में था सीकेंट एक्स इनटू टेन एक्स, कट गया, आंसर वापस से क्या आ गया टेन। ये आपको वेरिफिकेशन लिखनी भी नहीं है, करनी भी नहीं है, आपकी सिर्फ तसल्ली के लिए बता रहा हूं कि देखो ऐसे किसी ने फॉर्मूले बनाए हुए हैं, आपको ना तो ये याद करने है ना आपको जरूरत है, राइट? तो साइन कॉस का हमेशा याद रखना है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिख सकते हो प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स बाय डी एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स बाय डी एक्स। ठीक, तो ये मेन मेन फॉर्मूलाज हैं, जो कभी काम आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, वैसे साइन कॉस से काम चलेगा, ठीक, जरूरत नहीं पड़ती वैसे इनकी। यहां तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? और बस दो चीज़ें और करके जाएंगे, बहुत छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्री की। देखो तो इन फॉर्मूलास के साथ, जैसे सपोज करो देखो 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 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे करके दिखाओ। साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स की इंटीग्रेशन है, चलो जी ये क्वेश्चन है आज जो देना है, आप शीटें बांट दो बस। ये देखो साइन एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, बोलो क्या कहते हो? कितने लोगों के मन में ये आ रहा है कि मैं पावर रूल लगा दूं? हाँ आ रहा है, ठीक है, लगा के देखें। साइन एक्स का होल क्या लगाओगे? क्यूब डिवाइडेड बाय क्या करोगे? थ्री। जो लोग पावर रूल लगाना चाहते हैं, एक पावर बढ़ा दिया, साइन एक्स की पावर होल क्या आ गई? क्यूब बाई कितना? थ्री।
और बोलो आगे डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो क्या करेंगे, टू पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा, तो साइन एक्स का क्यूब थ्री कॉस एक्स। क्या पॉइंट क्लियर है? मैंने जब ये करके दिखाया तो एक स्टूडेंट था, उसने कहा सर ओके पावर रूल लग गया तो मजा आ गया। मैंने कहा कैसे? कहता देखो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन, इसमें इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स किया था ना, उसने कहा लगाने की जरूरत है, अपने को तो अपना काम तो चल गया। मैंने कहा कैसे? कहता देखो पावर इसकी वन है। मैंने कहा हाँ सही है। तो कहता देखो साइन एक्स की पावर टू डिवाइडेड बाय टू डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट साइन एक्स। उस टाइम तो बोल लेने की पावर रूल लगा दो, उस टाइम तो कहते हैं हाँ ठीक है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स है, तो उस टाइम भी बोलना था ना कि अगर इसकी पावर वन है तो पावर रूल लगा दो। समझ में आया कंफ्यूजन कहां पर है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इज माइनस कॉस एक्स ना, लगाने वाले पावर रूल लगा के अपना ऐसा आंसर निकाल सकते थे ना। क्लियर है यहां तक? नहीं समझ में आया पॉइंट? फिर से मैंने ये कहा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपने पावर रूल लगाया, बात खत्म हो गई। तो एक स्टूडेंट ये पूछता है कि सर पावर रूल के अंदर जब टू था तो आपने टू की पावर वन बढ़ा दी, ठीक हो गया, तो फिर इस पे क्यों नहीं लगता पावर रूल, इस पे लगाते हैं तो टू आता है। जब सीधा सीधा हमें फॉर्मूला लिखवा दिया कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस एक्स है, तो मैं कौन सा मेथड फॉलो करूं, ये करूं या ये करूं, ठीक, और पावर रूल उसमें चल क्यों नहीं रहा? पॉइंट समझ में आया क्या कंफ्यूजन है? तो रूल नंबर जो नेक्स्ट रूल है, पावर रूल ट्रिग्नोमेट्रीज के ऊपर नहीं चलते। चलो जी बात ही खत्म हो गई, क्रॉस सारा गलत है, ट्रिग्नोमेट्री में पावर रूल नहीं चलते। फिर आप कहोगे सर एक बार ना इकट्ठा ही बता दो कहां कहां नहीं चलते, ठीक है हम वहीं वहीं लगा देंगे जहां चलते हैं। और देखो ज्यादातर पावर रूल चलते ही नहीं में, वो दुक्का दिक्की जो क्वेश्चन है x का x रूट x का क्यूब रूट, बस वो थोड़े 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 में चल जाते हैं, बाकी कहीं पावर रूल नहीं चलते। बढ़िया, मैं तो कहता हूं क्वेश्चन नहीं बनेंगे। देखो पावर रूल नॉर्मल नहीं चलते, और वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मैथ्स के टीचर करवाएंगे, तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जहां पावर रूल चला बस वहीं चलेंगे, वैसे ही प्रॉब्लम आएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने गलती से भी ट्रिग्नोमेट्री में पावर रूल नहीं लगाना। फिर कोई स्टूडेंट बैठा वो कहता सर फिर आपने डिफरेंशिएशन के अंदर तो लगाया था। मैंने कहा कैसे? कहता इसकी डिफरेंशिएशन है टू साइन एक्स की पावर एक कम कर दो टी बाई डी एक्स ऑफ क्या साइन एक्स। याद है डिफरेंशिएशन में हर जगह पावर रूल चलते हैं, उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इंटीग्रेशन में रूल्स ही रूल्स हैं, सिर्फ वो छोटे मोटे क्वेश्चन में पावर रूल चलते हैं, बाकी कहीं पावर रूल नहीं चलते। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर इस चीज का आंसर तो लेते जाओ कि साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर सॉल्व कैसे करेंगे। फिर ऑब्वियसली पावर रूल चल नहीं रहा तो मैं आज की डेट में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि साइन एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो है मेरे पास, साइन एक्स के स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये क्वेश्चन अगेन मैथ की कैटेगरी में ही जाता है, ये क्वेश्चन मैथ्स की कैटेगरी में जाएगा, मैथ्स के टीचर करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको दो मिनट बताना चाहता हूं। आप प्लीज ये फॉर्मूला नोट करो, ट्रिग्नोमेट्री से मैथ्स के फॉर्मूला, जो फिजिक्स में दो फॉर्मूलाज बड़े फेमस फॉर्मूलाज हैं जो यूज होते हैं हमारे यहां, बहुत यूज होते हैं, उसका आंसर बाद में देखेंगे। ये तो समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री में पावर रूल नहीं लगाना कहीं पर भी। पहला फॉर्मूला लिखो साइन ऑफ टू एक्स इज टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लिखो साइन ऑफ टू एक्स का फॉर्मूला इज टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैथ्स का फॉर्मूला है, बहुत यूज होता है फिजिक्स में, जब चलेगी फिजिक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज अगर मैं आपको कहूं कि टू इंटू एक्स का मतलब मान लो 30 डिग्री है, ठीक, तो यहां पर आंसर आएगा साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। मतलब साइन ऑफ 60, साइन 60 क्या होता है रूट 3/2, यहां पे 2 इंटू साइन 30 क्या होता है हाफ, और ये क्या होता है रूट, तो आंसर एग्जैक्टली सेम है। तो एक आइडेंटिटी है जो वेरीफाइड है, मैथ्स वालों ने वेरीफाई करके दी हुई है, आप किसी भी एंगल के लिए टेस्ट कर लो, लेफ्ट और राइट का आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। तो आपने ये फॉर्मूला ही याद कर लेना है, वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ये टेस्टेड फॉर्मूला है। साइन ऑफ 2x कैन बी रिटन एज
टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई डाउट इसमें? ठीक है, और सिमिलरली साइन ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज टू इंटू साइन ऑफ एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई टू। एक ही बात है, ये देखो अगर यहां एंगल 2x है तो यहां पर एंगल आधा हो गया, 2x का आधा कितना x, अगर एंगल यहां पर x है तो x by 2 and x by 2, तो ये सेम प्रॉपर्टी है, ये एक ही फॉर्मूला है बेसिकली। तो आज के बाद जहां साइन 2x में फंस जाएंगे वहां बाहर कैसे आएंगे, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोई डाउट इसमें? राघव क्लियर है, फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला, मैंने नहीं बनाया ये, मैथ्स के फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। एक और फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला, कॉस ऑफ 2x का फॉर्मूला, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है, टेस्टेड है। साइन 2x का तो सीधा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस 2x का फॉर्मूला इज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है यहां तक, इसमें इसको कई बुक्स मॉडिफाई करती हैं, कैसे वो लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस ऑफ 2x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, इसको रीअरेंज कर लिया, इसको लेफ्ट इसको राइट, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। तो अगर बुक सीधा लिखती है ना साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये, तो आपको समझना चाहिए ये कैसे लिखती है, कोई डाउट इसमें? तो पहले कॉस 2x लिखती है, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, और फिर यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालती है। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है? और ऐसा भी ट्रू है, कॉस 2x को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेम फॉर्मूला ये रहा। इस बार एक काम करते हैं, इस बार कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहां से कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो दिस विल गिव 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉस स्क्वायर मिला लिया तो कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ठीक, मॉडिफाई कर रहा हूं, एक बार मॉडिफाई ऐसे कर लिया कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, और एक बार मॉडिफाई में क्या किया साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहां से 2 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी कॉस 2x प्लस 1, कॉस ऑफ 2x प्लस 1, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल वैसे ही कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये दो तीन फॉर्मूलाज हैं जो कहीं भी यूज हो सकते हैं, और साइन 2x और कॉस 2x के फॉर्मूलाज फेमस हैं। तो कल को अगर मैं कोई न्यूमेरिकल कर रहा हूं और मुझे जरूरत पड़े तो मैं ये आपको रिवाइज करवाऊंगा सारे कैसे बने फॉर्मूलाज, उस टाइम भी दो तीन बार करवाऊंगा, अपने आप ये चीजें याद हो जाएंगे। क्लियर यहां तक? पर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गए, और एक मिनट और मैं आपको ये सस्पेंस तो खत्म कर दूं कि इसका क्या करना है। इसका आपके पास कोई इलाज नहीं है, मैथ्स वालों के पास ही इलाज है, मैथ्स लगाओ, साइन स्क्वायर में पावर रूल नहीं चलना, साइन स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस करो 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, सही है, रिप्लेस कर दिया। अब 1 बाय 2 डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, अब कुछ बात बनती लग रही है, नहीं एक ही बात है, साइन एक्स का होल स्क्वायर
या फिर साइन स्क्वायर एक्स वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात होती है। तो ये लो हाफ, बोलो इसका आंसर क्या होगा। एक्स इसमें क्या आएगा, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय d बाय डी एक्स ऑफ 2x। तो यहां पर क्या आएगा, 1 बाय 2 एक्स माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कितना, 2। गुड आउट इसमें। तो साइन स्क्वायर का तोड़ मैथ्स के पास है, और अगर कल को कोई और स्क्वायर आता है मैथ्स के बिना सॉल्व नहीं हो सकता, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लास्ट वैल्यू जो आ सकती है, इसके अलावा चांस बहुत कम है। तो इसलिए सिर्फ साइन और कॉस का फॉर्मूला याद रखना है, ये नॉलेज के लिए बता दिया, अगर फंस गए तो देखो मैथ्स के लोग कैसे बाहर निकालेंगे आपको। क्लियर है, लिख लिया ये। वैसे नॉलेज के लिए अगर पूछूं जाते हुए, अगर मैं क्वेश्चन दे देता कॉस स्क्वायर का, फिर क्या कर लेते, मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल देता, 1 लिख देता, तो यहां पर क्या जाता प्लस, यहां पर भी, यहां पर हो गया सॉल्व डन। हाँ, आपको इस शीट में, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज रिसेप्शन से सब्जेक्टिव शीट नंबर 3 का प्रिंट आउट लें, और आपको ट्राई करनी है क्वेश्चन नंबर 13 तक, 1 to 13। आज का लेक्चर 1 to 13 तक रहेगा, अपनी कॉपी करके लाना, सबमिट करने की जरूरत नहीं, कॉपी खोल के रखना, मैं 2 मिनट वैसे ही चेक कर दूंगा मार के। ठीक, तो मिलते हैं फिर इस शीट के साथ, ट्राई करना, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। कोई डाउट है?